गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कुमावनी मोहित। तो कल वैली ऑफ फ्लावर्स का ट्रैक करने के बाद आज हमारा हेमकुंड साहिब जाने का प्लान है। दुबे रेडी हो चुका है, मैं रेडी हो चुका हूँ और हमारा तीसरा खिलाड़ी आज नहीं आ पाएगा क्योंकि कल वैली ऑफ फ्लावर का ट्रैक ऊपर तक तो सही से चली गई, बट नीचे आते हो किसने अपना पैर ट्विस्ट कर लिया है और वो सूझ भी चुका है, तो इससे अभी चला भी नहीं जा रहा है, तो आज के ट्रैक में ही हमारे साथ नहीं है। चलो बाय बाय, हाँ निकल रहे हम, टाटा। हल्का फुल्का चाय नाश्ता कर लिया है और 5-6 पराठे रख लिए हैं रास्ते के लिए, क्योंकि शायद ही रास्ते में कोई दुकानें वगैरह मिले। तो अब अपनी हेमकुंड साहिब की जर्नी स्टार्ट। इस पॉइंट से दो रास्ते कटते हैं, जैसे कि कल हम इस वाले पे गए थे वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए, और अब ये रास्ता आपका जाएगा हेमकुंड साहिब। और हेमकुंड साहिब की चढ़ाई जो है वैली ऑफ फ्लावर से तो मतलब काफ़ी स्टीप है। वैली ऑफ फ्लावर फिर भी थोड़ा बहुत प्लेन है, बट हेमकुंड साहिब की चढ़ाई एकदम खड़ी चढ़ाई है और 6 किलोमीटर की है और टाइम लगेगा 3 से 4 घंटे। एक एक पराठा खा लिया है तो थोड़ी सी एनर्जी आ गई है। अब 500 मीटर तक चलो, सोच रहे हैं कि 500 मीटर पे ही अब अगला ब्रेक लेंगे। यहाँ का एडमिन हो गया, यहाँ के लोग हो गए, पूरी कोशिश करते हैं कि इसको हेमकुंड साहिब को और वैली ऑफ फ्लावर्स की ट्रैक को जितना मर्जी जितना हो सके साफ रखें, बट फिर भी कुछ लोग हैं जो कूड़ा फैला के मानते हैं। तो यार प्लीज़ ऐसी जगहों पर तो एटलीस्ट कूड़ा मत फैलाओ। बीच में छोटी छोटी दुकानें भी मिलती रहेंगी। अभी तक ना हमें सारा व्यू एकदम क्लियर दिख रहा था, बट अब धीरे धीरे पूरी धुंध फैलती जा रही है, तो पूरा फॉगी फॉगी हो रहा है, धुआं धुआं सा हो गया पूरी तरफ, और अभी भी मेरे ख्याल से 5 किलोमीटर रहता है। चलते ठीक है, भाई। 2 किलोमीटर कर लिया, अब यहाँ से 4 किलोमीटर का डिस्टेंस रह रहा है, और 2 किलोमीटर बहुत मुश्किल थे, आगे के 4 का पता नहीं, करते हैं। अब यहाँ तक 2.5 किलोमीटर हो गया है और बिल्कुल क्लाउड्स में आ गए हैं। सी पीछे कुछ नहीं है, कोई पहाड़ नहीं, कुछ नहीं, बस पीछे जाने का ये रास्ता और आसपास सिर्फ बादल ही बादल। इज हाउज योर एक्सपीरियंस सो फार? इट्स क्वाइट गुड। आर यू एग्जॉस्टेड? यस ब्रो। अब जो है ट्रक बिल्कुल खड़ा होते जा रहा है, ये पूरा रास्ता जा रहा है।
चाय नाश्ता डन, अब स्टार्ट करते हैं। एनर्जी आ गई है खा पी के, अब चलते आगे। अब यहाँ से रास्ता बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गया है, पूरी साइड में ग्रिलिंग्स की हुई है, और अभी हमें इस पहाड़ के पीछे को जाना है। और अब थोड़ा ठीक लग रहा है, मतलब इजी टू मॉडरेट लग रहा है अभी यहाँ से ट्रैक। और व्यू तो है ही साथ में, चलते हैं। मंथ ऑफ अगस्त भी यहाँ पूरी बर्फ जमी हुई है इसमें, तो सर्दियों में तो क्या हाल होता होगा, पूरा बर्फ से भरा होता होगा। सो ब्यूटीफुल, यहाँ तो ऐसा लग रहा है दुनिया से कट चुके हैं बिल्कुल। और ये पहाड़ और एक ग्लेशियर, सी अभी काफी बर्फ जमी हुई है पूरी ऊपर तक। थक चुके हैं दोनों, दुबे थक गया, ठीक है, काफ़ी अच्छा थक गया। जो बोले सोने हाल, सत श्री अकाल। अब थोड़ी मंजिल पास दिखने लगी तो चलने की भी पावर आ गई। फाइनली इतना डिस्टेंस कवर करने के बाद हम पहुंच चुके हैं। अभी तो पूरा क्लाउडी बादल से कवर है, इसलिए कुछ दिख नहीं रहा। श्री हेमकुंड साहिब, श्री लक्ष्मण मंदिर, ये पूरा कुंड है। पानी इतना क्रिस्टल क्लियर है कि नीचे पत्थर हमें क्लियरली दिखेंगे।
delicious.